मध्य प्रदेश के सीधी में अनुसूचित जनजाति एसटी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने के आरोपी परवेश शुक्ला से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस उसे धकियाते और पीटते हुए दिखाई दे रही है। एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। इस दावे के अनुसार पेशाब का जो वीडियो वायरल हुआ है वह काफी पुराना है, पुलिस के अनुसार 1 साल तो आरोपी के परिजनों के अनुसार 3 साल। यह भी कि यह वीडियो परवेश शुक्ला से पैसे की उगाही करने के मकसद से अब वायरल किया गया है। कुछ तस्वीर भी सामने आई है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशाब कांड के पीड़ित जनजातीय व्यक्ति का चरण पखारते दिख रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मन दुखी है दशमत जी, आपकी पीड़ा बांटने का यह प्रयास है, आपसे माफी भी मांगता हूँ, मेरे लिए जनता ही भगवान है। जिसने एक पेशाब कर मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी।